लोकसभा चुनाव को चुनाव पर्व कहने पर आदिवासी छात्र एकता ने जताई नाराजगी। जमशेदपुर, लोकसभा चुनाव को चुनाव पर्व कहने पर आदिवासी छात्र एकता ने नाराजगी जताई है। आदिवासी छात्र एकता के संयोजक इंद्र हेम्ब्रम ने बुधवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित है। इसमें कहा गया है कि देश में कई धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, सभी की भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को चुनाव का पर्व कहना ठीक नहीं है, इसे कोई दूसरा उचित नाम देना चाहिए। जानकारी यह है कि श्रीमान राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली को हम लोग आज उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग ज्ञापन सौंप रहे, एक चिट्ठी आवेदन दे रहे हैं और उसका विषय है कि 2024 लोकसभा चुनाव का पर्व के रूप में प्रचार पर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगाने के संबंध में। और आपको जैसा कि आपको बता दे रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए जाति, धर्म, समुदाय, भाषा अथवा किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर मताधिकार का प्रयोग करें, यह संदेश लोकतंत्र के लिए सकारात्मक है। भारत को विश्व में पर्व त्यौहार के रूप में देश माना जाता है और इसकी पहचान विविधता में एकता है और इस अवधारणा के लिए भारत एक उदाहरण है। परंतु लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव पर्व कहना उचित नहीं लग रहा है। लोकतंत्र के सभी पहलुओं को मद्देनजर इस तरह प्रचार होना चाहिए ताकि सभी वर्गों के लिए मान्य हो। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम इंद्र हेम्ब्रम, संयोजक आदिवासी छात्र एकता।